श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन वेदवाणी कार्यक्रम में एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूँ और प्रयास रहता है कि विषय सामयिक हो, जो किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करने वाली हो, या कोई ऐसा विषय लूं जो सभी के लिए उपयोगी हो और सभी उसका उपयोग करते हुए लाभान्वित हो सकें। आज जो मैं विषय लेने जा रहा हूं, हम सभी मनुष्यों का जीवन काल सीमित होता है। जन्म और मृत्यु के बीच के इस काल को जिसे हम जीवन काल कहते हैं, वह एक सीमा के अंदर बंधा हुआ, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्यमेव होती है। जब जन्म है तो मृत्यु है। जन्म का अर्थ है संयोग, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर उस परम पिता परमेश्वर ने मुझे ये अनमोल तन मनुष्य का जीवन मनुष्य रूपी चोला प्रदान किया और मैंने अपने इस सीमित जीवन काल में इस साधन का उपयोग करते हुए साधक बन करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। मेरे पास सीमित समय है और मुझे जाना बहुत दूर है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने जीवन के उस सीमित काल में मैं सदा समय का सदुपयोग किया करूं, या इस वेद मंत्र में जो मैंने लिया, मैं काल रूपी अश्व के आरोह करूं, उसके ऊपर बैठूं, उसके खुरों में आकर के लुटता पिटता ना रहूं, अपितु मैं अश्वारोही बनूं। तो आज का जो विषय है वह है अश्वारोही बनो, अर्थात काल के समय के घोड़े पर आरूढ़ हो करके द्रुत गति से जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर पाऊं, इससे पूर्व कि मैं मृत्यु गति को प्राप्त हो जाऊं, या जीवन में ही पल पल प्रतिपल प्रतिक्षण समय के घोड़े के खुरों में पिटता हुआ जीवित दिखाई देता हुआ भी मैं पल पल मरता रहूं। इसीलिए आज के इस वेद मंत्र में आया अश्वारोही बनो। मैं पहले वेद मंत्र लेता हूं और फिर उसका अर्थ लूंगा। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्त्राक्षो अजरो चूरिरेता तमा रोहन्ति कव्यो विश्चितः तस्या चक्रा भुवनादि विश्वा। अर्थ, सप्त रश्मि सात रस्सियों वाला। ये सात रस्सियां कौन सी हैं? सात लोक हैं, सात भूमियां हैं, सात प्रकार की सृष्टि है। प्राणी में भी सात प्राण हैं, सात ज्ञान हैं और सात ही धातु हैं। यही सात रश्मियां हैं, यही सात रश्मियां सात रस्सियां हैं, जो कि पूरा विश्व इन रस्सियों से काल रूपी घोड़े से जुड़ा हुआ है। और हम मनुष्यों के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम समय का सदुपयोग करते हुए घोड़े के ऊपर आरूढ़ हों, अश्वारोही बने, ना कि पीछे लटकते हुए घिसटते चले जाएं, या आलस्य और प्रमाद में फंसकर उस समय रूपी घोड़े की गति में उसी रथ के नीचे
पिस जाएं या घोड़े की खुरों में कुटते पिटते रहें। इसीलिए कहा, अब मैं अर्थ लेता हूं, सप्त रश्मि सात रस्सियों वाला, जिसकी व्याख्या मैंने पूर्व में की, सात लोक, सात भूमिया, सात प्रकार की सृष्टि और प्रत्येक प्राणी में सात प्राण, सात ज्ञान, सात धातु, यही सप्त रश्मि है, सात रश्मियां हैं या सात रस्सियां हैं जो समय रूपी घोड़े में विश्व को जोड़ रही हैं। आगे आया, सहस्त्राक्षः हजारों धुरों को चलाने वाला, ना जाने कितने धुरे इस समय रूपी घोड़े के रथ के साथ जुड़े हुए हैं, और इन सभी को चलाने वाला अजरह कभी जीर्ण शीर्ण या बूढ़ा ना होने वाला, जो भी जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी है, वह अपनी अधेड़ अवस्था तक आते आते अवश्यमेव जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसका शरीर रोग ग्रस्त भी हो जाता है और काम करने के योग्य नहीं रहता। साधक का वह साधन अंततः उपयोग या प्रयोग के योग्य नहीं रहता। जन्म और मृत्यु के जीवन काल में एक अवस्था के उपरांत जब शरीर कमजोर होने लगता है, जीर्ण शीर्ण होने लगता है, अर्थात जो भी मर्त्य है, जो भी मरण धर्मा है, और इस वेद मंत्र के परिपेक्ष में हम मनुष्य जो मरण धर्मा हैं, हमें अंततः मृत्यु गति को भी प्राप्त होना है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होनी है, तो इस साधन का जीर्ण शीर्ण होना भी अवश्यंभावी है। लेकिन ये काल रूपी घोड़ा कभी जीर्ण शीर्ण या बूढ़ा नहीं होता। भूरी रेतहा ये महाबली है, कालह अश्व ये समय रूपी घोड़ा, वहती निरंतर अनथक चल रहा है, इसकी गति में इसके प्रवाह में कोई रोकथाम नहीं है। ये समय का घोड़ा कभी रुकता नहीं है और संसार रथ को निरंतर खींचता चला जा रहा है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस घोड़े के ऊपर बैठें या घोड़े के खुरों में पिट करके कुटते रहें और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दें। ये घोड़ा तो निरंतर चल रहा है और संसार रथ को खींच रहा है। विश्वाभुवनानी सब उत्पन्न वस्तुएं सब भुवन तस्य उसके चक्रह चक्र हैं और उस द्वारा चक्रवत घूम रहे हैं। तम उस घोड़े पर विपश्चितः ज्ञानी और कवयः क्रांतदर्शी लोग ही आरोहंती सवार होते हैं। अर्थात यदि मुझे समय रूपी घोड़े पर सवार हो करके अश्वारोही बनना है तो निश्चित रूप से दो बातें कहीं कि मुझे पहले ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त कौन सा ज्ञान है जो मुझे समय रूपी घोड़े पर आरूढ़ होने की, घुड़सवार बनने की, अश्वारोही बनने की शिक्षा देगा, प्रेरणा देगा, तो वह ज्ञान है ईश्वर प्रदत्त सत्य ज्ञान, जिसे हम वेद ज्ञान कहते हैं, जिसे हम वेद वाणी कहते हैं,
कल्याणी वाणी कहते हैं, जो सृष्टि कर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय हम सभी सृष्टि में रहने वाले समस्त जीवों के लिए उनके लिए एक आचार संहिता के रूप में, संविधान के रूप में प्रदान की, और उसे पाकर ही हम समय का सदुपयोग करना सीख पाते हैं। और जब हम समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, कोई भी पल, कोई भी क्षण, कोई भी श्वास प्रतिश्वास हम व्यर्थ नहीं गवाते, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे पास समय की एक सीमा है, जीवन काल मेरा सीमित है। यदि मैं समय को काट रहा हूं, व्यर्थ गंवा रहा हूं, तो मैं समय को नहीं काट रहा, अपितु समय मेरे जीवन को काट रहा है, और मैं अपने लक्ष्य या उद्देश्य की तरफ बढ़ने के स्थान पर निरंतर पिछड़ता चला जा रहा हूं, क्योंकि समय का घोड़ा तो निरंतर चल रहा है। मैं रुक गया तो मेरे लिए समय रुकने वाला नहीं है, मैं पिछड़ता चला जाऊंगा और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। फिर जो ये अनमोल तन, ये जीवन, ये मनुष्य का तन, ये साधन मुझे ईश्वर ने मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय तुला पर तोलते हुए प्रदान किया है, तो वह व्यर्थ चला जाएगा। मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, मैं समय को ना काटूं, समय मेरे जीवन को ना काट दे। आवश्यक हो जाता है कि मैं समय का सदुपयोग करूं, और समय का सदुपयोग करने के लिए मुझे समय या काल रूपी अश्व के ऊपर आरूढ़ होना है, अश्वारोही बनना है, घुड़सवार बनना है। मुझे किसी भी कीमत पर आलसी परमादी होकर के व्यर्थ में समय गंवाते हुए, समय के घोड़े के खुरों के नीचे कुटना पिटना नहीं है। अब मैं इस मंत्र में कुछ सूक्त वाक्य दे देता हूं और फिर अंत करूंगा, अपने वाणी को विराम की तरफ लेकर के चलूंगा। काल रूपी महाबली घोड़ा सब संसार को खींचे लिए जा रहा है। विश्व के सब जगतों में सात तत्व हैं, सात लोक, सात भूमियां, सात प्रकार की सृष्टि, और प्रत्येक प्राणी में सात प्राण, सात ज्ञान, सात धातु, यही सात रश्मियां हैं, यही रस्सियां हैं जिनसे विश्व काल रूपी घोड़े से जुड़ा है। काल की महाशक्ति से जुड़कर ब्रह्मांड के सब भुवन, लोक, मनुष्य, प्राणी, वस्तुएं चक्र की भांति घूम रहे हैं, और महाशक्ति काल इन सब को निरंतर चला रहा है। असंख्य वर्षों की आयु वाले भी, सौर मंडल भी अंततः जीर्ण शीर्ण होकर उस अनंत में समा जाते हैं, लेकिन काल देव आज भी ब्रह्मांड को उसी अपनी महाशक्ति से खींचे चले जा रहा है। इस महावेगवान अश्व की सवारी केवल ज्ञानी और क्रांतदर्शी ही कर सकते हैं। अज्ञानी अबोध इस काल रथ के पहियों के नीचे दबकर मर जाते हैं, इसीलिए काल को मृत्यु भी कहते हैं। महाशक्तिशाली महावेग वाले यान पर जो चढ़ते हैं, वह शीघ्रता पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम काल रथ के सवार बने, पल पल क्षण क्षण का उपयोग करें
और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लें। वाणी को विराम दूं, कुछ पंक्तियां एक भजन की सुना देता हूं। नाम प्रभु का जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। खेलों में बचपन गवाया, भूल गया किस काम को आया, यौवन काल का अंबर माया, देख बुढ़ापा क्यों घबराया, आंख खुली जब खड़ा सिरहाने, लेकर काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे अरे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, आंख खुली जब खड़ा सिरहाने, लेकर काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओम इति शम।